अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम्हें भी मैं आखिरी मौका दे रहा हूं शहजादे साहब। कार्डिनल थॉमस के साथ कुस्तुनदुनिया चले जाओ शराफत से, वरना ईजा दौरा वाला हश्र होगा तुम्हारा। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें मैं सरदार ही नहीं मानता कुर्दोगलू। अगर सरदार मान लिया तुम्हें तो उस कबीले के अजदाद की तौहीन होगी। न इस कबीले में, न ही इस सौताक में, न इस जिरगे में और न ही उन वसी और इस चरागाहों में तुम्हारी कोई हैसियत है। याद रखना, तुम सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से इस जिरगे में शिरकत कबूल की है तुम्हारी, लेकिन अगर तुम हद से बढ़ोगे तो औताक के सामने तुम्हें लटकाने से भी दरेग नहीं करूंगा मैं। तुम दुखी हो, लेकिन इस कबीले के मौजज़ीन की इज्जत की खातिर उम्मीद है कि तुम मजीद कोई गुस्ताखी नहीं करोगे। जिरगे में रायशुमारी के बाद तुम्हारे खानदान की कबीला बद्री का फैसला सुनाया गया था और उन्हें कोरकुत के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बाप और भाई ने फैसला मानने से इनकार कर दिया और बगावत का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अब तुम्हें जो कहना है कह सकते हो और उसके बाद जिरगे के हर फैसले को मानना होगा। मतलब ये कि इरादा ये है तुम्हारा कि मुझे भी उन सलीबियों के हाथों मरवाओगे जिनकी गुलामी में अपनी और कबीले की इज्जत बेच चुके हो कुर्दोगलू। ये क्या इशारा दे रहा है? ये तो सरासर इल्जाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बहुत हो गया सरदार, इस नाहंजार का ये इल्जाम हम जिरगे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसे कुर्दोगलू ने सखावत दिखा के बुलाई लिया है तो इसकी बात भी सुन लेते हैं काराबुदक, क्योंकि जिरगे के फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होते हैं। अर्तुरुल को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। ये बहुत शुक्रिया। कबीले के सरदार पर जिरगे में नाकर्दा जराइम का इल्जाम लगाना बहुत महंगा सौदा है अर्तुरुल। अगर तुम बाज ना आए तो यहां से तुम्हारी लाश वापस जाएगी। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें मैं सरदार ही नहीं मानता कुर्दोगलू। अगर सरदार मान लिया तुम्हें तो उस कबीले के अजदाद की तौहीन होगी। यह सिर्फ इल्जामात नहीं, हकीकत है।
और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह मौजूद हैं। तमाम मुअज्जिज़ीन से उन गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सुन लेते हैं, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि तीन मुअज्जिज़ीन इस जिरगे में कम हैं। शामिल होने से इनकार कर दिया था उन्होंने। क्या हो रहा है? बिल्कुल मेरे भाई। हलीमा सुल्तान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। तुम तीनों को अब एक साथ देख लिया है तो कोई फिक्र नहीं है मुझे। तुर्गुत, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ? मैं ठीक हूं। आप खड़े हो जाओ। मुझे कबीले पहुंचना है फौरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुना था कबीले में बगावत हुई है सरदार।
तो बताओ अर्तुल, तुम्हारे गवाह किस बात की गवाही देंगे? कारा तोइगर के साथ मिलकर तिजारती काफले पर जो हमला करवाया उसकी गवाही देंगे वो। तो ये क्या कह रहे हो? बहुत बड़ी बात कर दी अर्तुल, इतना बड़ा इल्जाम हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा इल्जाम। जवानों को शहीद करवाने की गवाही देंगे। और सलीबियों का अलाइकार बनकर तुमने जो फितना और फसाद इस कबीले में फैलाने की कोशिश की उसकी गवाही देंगे कुर्दो। देखा तुमने, आज यानी कि सारा जेल खुल चुका है इस कुर्दोगलू का। मैं तो शुरू से इसे सरदार नहीं मानता था। बस हुक्म कीजिए सरदार, मैं अभी। किले के चक्कर लगाकर तुमने सलीबियों के उस्ताद आजम पेट्रूशियो के साथ साजिशों के जाल बुने, तुमने ये बताएंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये सरदार बनने के लायक ही नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसका सर कलम कर दूँ। बहुत अफसोस की बात है, इस सरदार बन के बैठे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या बात है तुम्हारी अर्तुल, यानी तुम बहुत ताकतवर गवाह लेकर आए हो यहाँ। बिल्कुल, आज ऐसे ही गवाह पेश करूंगा मैं जो तुम्हारी गद्दारी को अपनी आंखों से देख चुके हैं। सलीबियों के उस्ताद आजम की दी गई अशर्फियों से कबीले में किस किस को खरीदा तुमने ये भी बताएंगे। एक एक करके कबीले में मौजूद हर रिश्वत खोर का नाम बताएंगे। कौन है वो गवाह? तुर्गुत है वो गवाह। तुर्गुत क्या बताएगा? क्या वो इस बात की गवाही देगा कि तुम्हारे खानदान को कबीला बद्र करने के लिए मैंने उसके साथ भेजा था? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने कुर्दोगलू को इतना कमजोर समझा है? तुम समझे कि तुमने मुझे फंसा लिया है? हलीमा सुल्तान भी यही समझती है कि तुम दोनों झूठे इल्जाम लगाकर लोगों को मेरे खिलाफ भड़का लोगे और मुझे बदनाम करोगे। लेकिन शायद तुम दोनों ये नहीं जानते कि मेरे हाथों लिखी है तुम्हारी मौत। अब तुम तैयार हो जाओ अर्तुल, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों न छुप जाओ, मैं चुन चुन कर सबको मार दूंगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसको। अपने गुनाहों का एतराफ नहीं किया तुमने तो यही सर कलम कर दूंगा। बोलो कुर्दोगलू। भाइयों, ये बकवास कर रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। कुर्दोगलू, हक जीत जाता है और बातिल की शिकस्त होती है।
तुर्कुत एक काम करो, हुक्म कीजिए। सुलेमान शाह को पैगाम भिजवाओ कि वो तशरीफ लाएं और संभाले मनसब को। जैसा आप कहें भाई। इंशाल्लाह ये मुकद्दस मनसब तुम जैसों के हाथ नहीं आएगा दोबारा। बाबा देखें धुआं उठ रहा है। अर्तुरुल कामयाब हो गए। रवाना होना चाहिए हमें। हाय माँ, तुम लोग कुछ देर में आना कबीले। जैसा आपका हुक्म सुलेमान। अब्दुल रहमान, घोड़े तैयार किए जाएं। जो हुक्म सरदार। जिसके कब्जाए कुदरत में हमारी जान है, सारी तारीफें उसी ज़ाते मुकद्दस के लिए हैं। मैं उस पाक नाम की कसम खाता हूँ, मैं अपने परचम और तलवार की हुरमत के लिए जिस जिहाद में निकला हूँ, उस जिहाद में मेरे रहनुमा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और शेरे खुदा हजरत अली होंगे। खुदा मेरी तलवार में जुल्फिकार जैसी ताकत है, फतह देने वाला सिर्फ मेरा खुदा है। Oh, my God.
रहम करें। गद्दारों पे रहम नहीं करना चाहिए कुर्दोगलू। कुर्दोगलू को गद्दारी की सजा दी जाएगी, मुकदमे की कार्रवाई सबके सामने होगी, ताकि कबीले में फसाद बर्पा करने वालों के नाम हमेशा के लिए इबरत बन जाए। हमने इस कम नस्ल के साथ इत्तेहाद नहीं किया सरदार, लेकिन मैं और तमाम मुअज्जिज़ीन और तमाम जंगजू मसलहतन खामोश थे इसके आगे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपकी दस्तबूसी करना चाहते हैं। गद्दार का अंजाम क्या होता है ये देख सकते हैं आप लोग। इसने हमारे खानदान पर जो जुल्म किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी इसे, लेकिन हम इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। इसकी सजा का फैसला जिरगे में किया जाएगा। जिरगा जो भी फैसला करेगा उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। उम्मीद है कि आप में से किसी को भी इस पर एतराज नहीं होगा। कोई शक नहीं कि हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं। सलीबियों ने हमारे अमन पसंद कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे इत्तेहाद को नहीं तोड़ सका। दुश्मन चाहे जितना भी जोरावर हो जाए, वो हमारे दिलों में ईमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
इस दवा से आपके दर्द में काफी कमी आ जाएगी। मुझे अफसोस है आपकी तकलीफ पर। मुझे ख्याल आ रहा है उन सलजुकी काफिरों और अय्यूबियों का, मैंने जिन लोगों को जिंदान में कैद करके शैतानियत से जहर आलूद कर दिया है। सलीबियों की शाही जमात किले पहुंचने वाली है, जब तक वो यहां मौजूद रहे तब तक तुम इस जख्म और दवा को अपने सीने में छुपा के रखना, समझे तुम? जी उस्ताद आजम, खुदावन मददगार हो आपका। खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है मेरे हाल पे तबीब, जिस उम्मीद से मैंने सरमायाकारी की कुर्तोगलू पर, वो पूरी ना हो सकी। काई कबीला ज्यादा खतरनाक हो चुका है अब, मगर एक बात मुझे परेशान कर रही है कि ईजा दौरा के पास वो जहर आलूद खंजर कहां से आया बताओ। शाही गिरजे के उस्ताद आजम तशरीफ लाए, दरवाजा खोलो। मुझे इजाजत दीजिए उस्ताद आजम पेट्रोशियो। खुश आमदीद उस्तादान आजम, आपकी आमद बाई से मुसर्रत है। बहुत खुशी हुई टाइटस। उस्ताद पेट्रोशियो कहाँ है? ऐसी भी क्या मसरूफियत के हमारे इस्तकबाल के लिए भी यहां मौजूद नहीं? वो अपने कमरे में आपका इस्तकबाल करेंगे। ताज़े आज़म जानना चाहते हैं कि ईज़ा दौरा को वो जहर आलूद खंजर किसने दिया था कार्डिनल थॉमस? जब उसकी ज़ुबान सूज कर मोटी हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि ईज़ा दौरा को वो खंजर मैंने ही दिया था। तुम अब जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उस्ताद पेट्रोशियो ज्यादा जी पाएंगे और फिर शाही गिरजा किसी नए उस्ताद का इंतखाब करेगा। नया उस्ताद आजम किसे चुना जाएगा कार्डिनल अली खदर? बिलाशुबा टाइटस को। उसे पैगाम दो कि मुझसे आकर मिले राजदारी से। और हाँ, इब्नुल अरबी के संदूक का क्या हुआ और कितना इंतजार? इस मकसद के लिए कल ही जा रहा हूं मैं। बहुत खूब, जितना जल्द हो जाए अच्छा है, क्योंकि छोटे शहजादे के साथ मैं इस वाहियात जगह से निकलना चाहता हूं। भरोसा रखिए मुझ पर। मेरे बहादुर सरदार, आप पर बहुत जचता है ये मनसबे सरदारी और दुश्मन से मुकाबला करना। मेरी जान से भी अजीज जौजा, मेरी मोहब्बतों की अमीन, मेरे हर खुशी और गम में मेरा साथ देने वाली ये सरदारी एक शोलों का लिबादा है, जिसे मुसलसल पहनना बहुत मुश्किल है। दुरुस्त कहा आपने, ये औताक हर तरह की मुश्किलात और परेशानियां देख चुका है। जानती हो तुम हाइमा,
मुझे यहां वापसी की रत्ती बराबर भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अगर हम वापस ना आते तो जुल्म के साए हम पर मंडलाते रहते। मजलूमों की खातिर जहाद ना करते अगर हम, तो जालिम हमेशा के लिए जीत जाता। इस दुनिया में जालिम की एक सांस भी नुकसान देह है। बिल्कुल सही कहा आपने, कुर्दोगलू का क्या अंजाम होगा? उसका अंजाम बहुत भयानक होगा हाइमा, लेकिन मेरा असल हदफ सलीबियों के मजबूत किले को मिसवार करना है। या तो वो किला रहेगा या हमारा कबीला। दुंदार, मेरी बेटी। वालिदा, बाबा। माँ कुर्बान हो जाए मेरी जान तुम पर। शुक्र है उस रब करीम का जिसने हमें इतनी खुशी अदा फरमाई। आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद खो चुकी थी मैं। खुदा का शुक्र है कि मैंने आपको देख लिया, वरना जीते जी मर जाती मैं। इंसान की मौत का वक्त मुहैया है हलीमा सुल्तान। देखो नसीब में मिलना लिखा हुआ था। शुक्रिया खुदा का। अब क्या होगा अर्तुरुल? पहले कुर्दोगलू को उसकी गद्दारी की सजा मिलेगी, उसके बाद उस किले को नीस्त नाबूद किया जाएगा जो सारी साजिशों का गढ़ है। दुआ करता हूं तुम्हारी इन आंखों में इसी तरह खुशी के आंसू हो। बस जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक कोई गम छू नहीं सकता। वक्त हो गया जरके का, लेकिन वो शिकार वाली बात आज के बाद से हम ही जिम्मेदार होंगे, वो शिकार हो या फिर जरका। जिंदगी जिंदान बन गई थी तुम्हारे बिना। तुम्हारी यादों ने जिंदान में साबित कदम रहने का हौसला दिया मुझे आइकिस। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे तुरकत। सच पूछो तो मुझसे भी और इंतजार नहीं हो पाएगा आइकिस। अब मैं सरदार और तुम्हारे बाबा से बात करता हूं तुम्हारे और अपने निकाह की। तुरकुत, 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 तुम्हें इससे जान छुड़ानी होगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी कभी। अगर मैं बिना सोचे तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं तो उस खंजर से मेरी जान ले लेना। Thank you.
तुम्हें डर है कि मैं कहीं तुम्हारा नाम ना ले दूं सजा? तुम्हारे करतूत ना बता दूं सबको? अगर इन्हें ये बता दिया मैंने कि तुम भी मेरे साथ हर गुनाह में शरीक हो तो फिर क्या होगा? लेकिन सुलेमान और उसकी औलाद की जिंदगी अजीरन करने के लिए तुम्हें उन पर मुसल्लत करना चाहता हूँ मैं। तुम मेरा कीमती खजाना हो, तुम मेरा सबसे बड़ा विरसा हो सजान खातून। शुरू करता हूं उसके नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से रोशन किया। हमारी जान उसके नाम पर कुर्बान हो जाए। मौज़ज़ीन, मैंने इस फानी दुनिया में बहुत दुख देखे हैं। अपनी औलाद को खोया, पहली बीवी को गंवाया, मेरे भाइयों ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैं उतना नहीं टूटा जितना इस गद्दार ने तोड़ा है मुझे। कुर्दोगलू ने साजिश के जरिए मुझे मेरी सरदारी से हटाना चाहा। उसने मेरी जौजा की, मेरे कबीले की और मेरी औरतों की हुर्मत को पामाल किया, लेकिन जिरगे के मुअज़्ज़िज़ीन में से किसी ने उस सालिम से कोई सवाल नहीं किया। आखिर क्यों, कैसी खामोशी है ये? माफ कर दे सरदार, हमारी अकलों पे पर्दे पड़ गए थे। अब मेरा फैसला है कि जो इस जुल्म पर खामोश रहा आइंदा वो इस सिरके में ना आए। आजाद हो तुम सब, नई शूरा का इंतखाब किया जाएगा। कुर्दोगलू की जगह तुम संभालोगे। कुंदुगदू, तुम आज से कबीले के अनाज का बंदोबस्त करोगे। अब जाओ, उस गद्दार को लेकर आओ। अर्थरुल और हलीमा का निकाह कर देना चाहिए हमें। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं अफसन पाशा, आप कहां थे और अब यहां क्यों आए? अपने जमीर का बोझ हल्का करना चाहती हूं मैं। इस कबीले में हम के लिए जरूरी है कि सारे घिनौने राजों से पर्दा उठ जाए।